Morning all, myself Dr. Pooja Singh, Program Officer, NSS. 1 तारीख से 7 तारीख तक हमारा जो न्यूट्रिशन वीक चल रहा है उसके अंतर्गत आज हमारे यहाँ बेकिंग की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारी गेस्ट हैं शुभि मिश्रा जी। मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे सभी टीचर्स को, बच्चों को, कि जो शुभि जी हैं वो हमारे यहाँ घर पर रहकर ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी जो रेसिपीज हैं वो शेयर करती हैं। मैम के यूट्यूब पर 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकिंग आइटम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम मैं बताना चाहूंगी, जैसे होममेड चॉकलेट, ब्राउनीज, कोकोनट कुकीज, चॉको चिप्स, वनीला आइसक्रीम। मैम का जो वीडियोज है वो मैंने भी देखे हैं और लोगों ने काफी पसंद किए हैं। तो इसी के अंतर्गत शुभि जी आज हम लोग के साथ यहाँ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हैं, तो मैं शुभि मैम से बोलूंगी कि वो स्टार्ट करें। मैम, हाँ, आज हम जो है हेल्दी केक बनाएंगे। जो मार्केट में केक मिलते हैं वो मैदे के होते हैं और उनमें केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते और ना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आज हम आटे से और गुड़ से केक बनाएंगे, जो बहुत ही इजी है बनाना और वो बिल्कुल प्योर एगलेस है, और इसे हम OTG में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में। तो आज हम इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी है सर जी? आप स्टार्ट करिए मैम। अच्छा ठीक है, दिख रहा है? जी दिख रहा है। हाँ एक सेकेंड, जूम करो ऊपर करो, क्लियर दिख रहा है। ये बोल है और इसमें हम अब जो है ये 1 कप मिल्क है जो रूम टेम्परेचर पे है और बॉइल्ड है। इसमें अब हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ सनफ्लावर का, आप मेल्टेड देसी घी या बटर भी यूज कर सकते हो। इसमें आप डालेंगे 3/4 कप जैगरी पाउडर, ये मार्केट में मिलता है पाउडर रूप में ही, तो ये जैगरी पाउडर डालेंगे, नहीं तो आप ब्राउन शुगर को भी पीस कर डाल सकते हो और शुगर को भी पीस कर डाल सकते हो। अब इसी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस। ये वनीला एसेंस है और इसे भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से घुल नहीं जाता है। ध्यान रहे कि इसमें गुड़ की गांठें ना रहे, उसको अच्छे से हमें घोल लेना है। हेलो, मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये मैंने इसमें 1 कप मिल्क डाला है और उसमें मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, उसके बाद उसमें मैंने जैगरी पाउडर डाला है, गुड़ का पाउडर जो बाजार में आसानी से मिलता है, 3/4 कप। और बेकिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम मेजरमेंट्स प्रॉपर लें, उसके लिए हमें मेजरिंग कप ही यूज करने चाहिए, उसी से हमारी बेकिंग बहुत अच्छी होती है और प्रॉपर होती है। फिर इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, आप विनेगर भी डाल सकते हो, जो व्हाइट वाला विनेगर आता है वो, और वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून, उसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे जब तक कि गुड़ जो है दूध के साथ अच्छे से घुल नहीं जाता है, लम्स ना रहे। देखिए ये पूरा अच्छे से घुल गया, अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे।
अब ये है हो गया सबका मैम ब्राउन शुगर 2-3 कप ना नहीं 2-3 कप नहीं 3/4 कप लेना है मतलब एक कप में थोड़ा कम हाफ कप भी ले सकते हैं इसको रख उसके बाद 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस डालो और 1 टीस्पून वनीला एसेंस या फ्रूट एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं छोटी सी कितनी चीजें डालनी है दूध में ऑयल डालना है और जैगरी पाउडर डालना है लेमन जूस डालना है और वनीला एसेंस डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि उसमें लम्स ना रहे हाँ वो फटेगा उसको वैसे ही यूज करना है ठीक है अब हम जो है ये 6 इंच का केक टिन लेंगे ठीक है 6 इंच का भी ले सकते हैं 7 इंच का ले सकते हैं और 5 इंच का भी ले सकते हैं मैंने 6 इंच का लिया है अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीस करेंगे वैसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से ग्रीस करूँ हाँ ग्रीस करिए सब लोग चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाएगी लगा लिया अब हम क्या करेंगे ये बटर पेपर है इसको मैंने गोल कट कर लिया है टिन के हिसाब से और इस बटर पेपर को हम टिन के अंदर बिछा देंगे ठीक है और ये बटर पेपर है इसको हम टिन के अंदर बिछाएंगे और इसको ऊपर से भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ये हमारा टिन तैयार हो गया क्या सबका ठीक है अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है इसमें मैंने काजू लिया है बादाम है किशमिश है और पिस्ता है इनको थोड़ा सा हल्का सा चॉप कर लिया ये आप अपने मन से कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी लेना हो उस हिसाब से ले सकते हैं ठीक है अब इसमें हम ये मार्केट में टूटी फ्रूटी मिलती है ड्राई वाली इसको डालेंगे तो ये मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ ठीक है ऐसे और ये अब ये सूखा आटा है हाँ ये सूखा आटा है इसको 1 चम्मच इसमें डालेंगे इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो बैटर में नीचे बैठेंगे नहीं और केक के बीचों बीच में बाइट में आएंगे खाने में तो इनको अच्छे से सूखे आटे से कोट कर लेंगे इस तरह से ठीक है हो गया सबका अब ये जो मिक्सचर है इसको फिर से हाँ अच्छे से मिला लेंगे सबका घुल गया गुड़ ना गुड़ और चीनी सबकी घुल गई अच्छे से
आगे बढ़ू? ये हमने रखी छन्नी इसके ऊपर, और अब हम एक कप आटा लेंगे, जो नॉर्मल आटा हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसकी रोटी बनाते हैं वही आटा है, तो एक कप आटा हम लेंगे, ठीक है। पूरा लेवल से लेना है आटा, और ये मेरा 250 ml का कप है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, इसे हम लेना है 1 teaspoon। बिल्कुल लेवल करके 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा, ये कितना लेना है? ये 1/2 teaspoon लेना है। हमेशा बेकिंग पाउडर ज्यादा पड़ता है और बेकिंग सोडा कम पड़ता है, उसकी 1/2 क्वांटिटी पड़ती है। ये भी लेवल करके ले, ठीक। डाल लिया सबने? डाला है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और आटा और मिल्क पाउडर सबने डाल लिया, छन्नी में डाल लिया सबने। अब इसे हम छान लेंगे। करूं मैं? हेलो, हेलो आशुभी जी, हेलो, आ रही है, आप करिए। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से इसमें छान लेंगे। छानने से केक हमारा बहुत सॉफ्ट बनता है और स्पॉन्जी बनता है। आप चाहो तो इसको 2 बार भी छान सकते हो, वैसे 1 बार सफिशियंट है। जितने कोई भी लम्स हो, अब इसे अच्छे से एक तरफ घुमाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, ऐसे फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट। दिख रहा है ना सबको ठीक से? दिख रहा है मैम। जब तक कि लम्स नहीं रहे तब तक ही केवल करना है, बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है। अभी हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें अभी हम 2 टेबल स्पून मिल्क और डालेंगे।
ये 2 टेबल स्पून मिल्क है, इसे मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा बिल्कुल और डालें, 1 टीस्पून के करीब। अब हमारा बैटर बिल्कुल सही है, हो गया सबका इस तरह से। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करिए मैम जी। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स ये कोट किए थे, ये सारे हम अपने बैटर में डाल देंगे। और इनको अब हम हल्के हाथ से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसको हमें हल्के हाथ से ही करना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स नीचे ना बैठे, इस तरह से। अब ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। जब तक हम बैटर बनाएंगे तब तक हम कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये कढ़ाई मैंने ली है और ये थोड़ी सी बड़ी है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो, अल्मोनियम की, नॉन स्टिक, ये हार्ड वाली है, हार्ड एनोडाइज वाली, तो ये मैंने ली है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस केवल एक ये स्टैंड आता है स्टील का, तो इस स्टैंड को बस बीच में रख देंगे और इसे गैस पे रख के मीडियम से लो फ्लेम पर इसको प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। इसी तरह अगर आपको ओटीजी में बनाना है तो उसे भी हम 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट किए बिना कभी भी केक मतलब टिन को डायरेक्ट नहीं रखना है, जब इसमें हीट होगी प्रॉपर तभी अपनी केक टिन को उसके अंदर हमें रखना है, इसलिए इसे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। बेकिंग के कुछ टिप्स भी हमारे बच्चों को बता दीजिएगा। हाँ, अच्छे से कैसे उनका केक बेक करते क्या है कि हम लोग टिन रखने के बाद बार बार उसको खोल खोल के देखते हैं कि वो बेक हो रहा है कि नहीं, कि अच्छा, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती है और केक हमारा अच्छे से राइज नहीं होता है, इसलिए हमें बार बार नहीं देखना है, 30 मिनट्स के बाद ही हमें खोल के देखना है कि केक राइज हो रहा है कि नहीं। और केक की कुकिंग हमेशा धीरे धीरे होती है, जो कि मतलब साइड से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बीच में केक पकता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो कढ़ाई में वैसे भी 50 से 60 मिनट तो लगते ही है केक होने में, इसलिए जब तक कि केक बीच में अच्छे से पूरी तरह से नहीं हो जाता है बेक, तब तक उसको करना है बेक, नहीं तो वो सेंटर में जब हम कट करते हैं तो वो कच्चा निकलता है। तो हमारी कढ़ाई जब 10 मिनट हो जाएगी प्री हीट, तो उसके बाद हम लोग ये जो केक टिन हमने ग्रीस किया था इसमें हम अपने बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है,
उसको हल्का सा टैप करेंगे। लेवल कर ठीक है। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और हैं जिससे हम अपने केक को डेकोरेट कर लेंगे ताकि जब वो बेक होकर निकले तो बहुत अच्छा लगे। और ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है उसे भी मैं डाल रही हूं। ये देखिए ये गुड़ की वजह से हमारे बैटर का कलर ब्राउन है ठीक है। ओके मैम। हाँ अब जो कढ़ाई हमने प्री हीट की थी उसमें हम अपने केक टिन को रख देंगे। सुबी मैम एक मिनट। अनुष्का आवाज आ रही है? अनुष्का बच्चों के जो भी क्वेश्चन है वो मैम से पूछ सकते हैं। अनुष्का मैम अनुष्का पूछना है किसी को मैम अगर इसको माइक्रोवेव में बनाना होगा तब मैम? नहीं माइक्रोवेव में केक नहीं बनता है उसमें कन्वेक्शन मोड पे बनेगा और सबसे अच्छा ओटीजी रहता है। ओटीजी पर 180 डिग्री पर 30-35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे प्री हीटेड ओटीजी में। मैम कन्वेक्शन में भी नहीं बना सकते? हाँ कन्वेक्शन में बना सकते हैं वही 180 डिग्री पर 30-35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स में अगर नहीं होता है तो बीच में चेक करके देखेंगे अगर थोड़े बहुत कसर है तो 5-10 मिनट और बेक कर लेंगे। तो अब हमने अपना केक टिन इस पे रख दिया है कढ़ाई में और ढक्कन लगा देंगे। हम स्लो फ्लेम पर 50 or 60 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इतना टाइम तो लगेगा ही अगर हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में बेकिंग थोड़ा स्लो होती है और अच्छी होती है। और मैम ओटीजी में? ओटीजी में भी अच्छे से हो जाएगा बेक तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हेलो शोभी मैम आप स्टार्ट करो आगे। हाँ तो अब हम इसको बेक होने देंगे और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगी जब ये बेक हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा बेक हुआ है। हाँ और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मैं इसको रख करके आती हूँ बेक। जी 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 ओके मैम। ज्यादातर मैदे का यूज करते थे आज आपने आटे का यूज करके बनाया जो हमारे लिए बहुत हेल्दी था। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है क्या आटे की जगह हम दाली का आटा भी यूज कर सकते हैं केक के लिए? हाँ कर सकते हैं पर थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आएगा। आटे का केक बनाने से ये लगता है कि हम बिल्कुल मैदे का ही केक खा रहे हैं बिल्कुल भी टेस्ट में फर्क नहीं आता और बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है। हेलो हेलो हाँ सुबी मैम जब वो बन जाए तो आप उसके पिक्चर्स हमें शेयर कर दीजिएगा हम बच्चों को सर्कुलेट कर देंगे। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे बच्चों को इतना जो पौष्टिक केक था वो बनाना सिखाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके मैम मैं अपनी तरफ से शुभी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब आपके टिप्स तो मैं नहीं देख पाई
क्योंकि ऑफिस में है कुछ ना कुछ लगा रहता है, बस इस प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों की तरफ से, एनएसएस टीम की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट समस्त कॉलेज की तरफ से मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए और इतना अच्छा केक बनाना सिखाने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है आज के बच्चों का दिस इज ऑल टाइम फेवरेट केक बेकिंग है। बाकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं पर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है मैडम, आगे भी होम साइंस डिपार्टमेंट हमारा इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है, तो जब भी कभी आपको समय हो थोड़ा हमारे बच्चों के लिए जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं कुछ सिखा पा रही हूँ जी। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ओके शुभी मैम जी, ये केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है 65 मिनट्स बाद, और अब हम इसे एक टूथपिक डाल करके चेक कर लेंगे। टूथपिक साफ निकल आती है तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे अब हम डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए इसको हम चाकू से इसके कॉर्नर्स को छुड़ा लेंगे। धीरे से इसको पलटेंगे। जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो केक कितने अच्छे से बेक हुआ है और कितनी अच्छी जाली आई है केक में। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख के इधर से भी ठंडा कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट केक है ये, मैदे के केक से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।